माय नेम इज प्रिया और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे विच इज प्रिया लीगल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदू लॉ के अंडर में टाइप्स ऑफ मैरिजेस जो एंशिएंट इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते थे। ठीक है, तो टोटल 8 प्रकार की शादियां होती थी हिंदू लोगों में पुराने जमाने में, जिसमें से 4 अप्रूव थी और 4 नॉन अप्रूव थी। तो कौन सी अप्रूव थी कौन सी नॉन अप्रूव थी हम आगे पढ़ेंगे। तो जो 4 अप्रूव मैरिजेस थी उसमें से फर्स्ट था ब्रह्मा मैरिज। तो ब्रह्मा मैरिज में क्या होता था, जब कोई भी विद्यार्थी कोई भी स्टूडेंट अपनी ब्रह्मचारी अवस्था मतलब अपनी नॉलेज लेके गुरुकुल से जब आते थे अपनी वेदास की नॉलेज लेके, तो उनके बेसिस पे उनकी शादी कराई दी जाती थी। मतलब कोई भी फादर अपनी डॉटर देते थे उनके नॉलेज के बेसिस पे। ठीक है, तो उसे कहते हैं ब्रह्मा मैरिज। उसके बाद है दैव मैरिज। दैव मैरिज में क्या होता है, बेटी की शादी की उम्र निकल जाती थी पर फिर भी उनकी शादी नहीं हो पाती थी ड्यू टू सम रीजंस, तो इसीलिए बाद में वो अपनी बेटी को दीक्षा में दे देते थे भगवान को। ठीक है, तो उनका आगे का जो भी जीवन होता था वो भगवान के चरणों में व्यतीत होता था, तो इसे बोलते हैं दैव मैरिज। ठीक है, उसके बाद है अर्शा मैरिज। तो अर्शा मैरिज में क्या होता था, ग्रूम के पास कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं होती थी, ना नॉलेज होती थी ना एनी अदर स्पेशल क्वालिटी, तो वो बुल या काउ ऑफर करते थे लड़की के फादर को, वो लड़की से शादी करने के लिए वो बुल या काउ ऑफर करते थे और उसके बदले में वो उनकी लड़की से शादी करना चाहते थे, तो ये मैरिज को कहते हैं अर्शा मैरिज। उसके बाद है प्रजापत्य मैरिज। प्रजापत्य मैरिज में लड़की के फादर के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता था सिवाय खुद लड़का ढूंढने के अलावा, तो वो खुद अपने लड़की के लिए लड़का ढूंढने निकल जाते थे, तो उसे कहते हैं प्रजापत्य मैरिज। तो ये चारों मैरिज अप्रूव थी। उसके बाद नॉन अप्रूव में फर्स्ट है गंधर्व मैरिज। तो गंधर्व मैरिज किसे कहते हैं, जो कि लव मैरिज होती थी एक प्रकार की और विदाउट द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, जो जिसमें पेरेंट्स की सहमति नहीं होती थी, तो इस मैरिज को गंधर्व मैरिज बोलते हैं और ये नॉन अप्रूव थी। उसके बाद है असुरा मैरिज। तो असुरा मैरिज में क्या होता था, ग्रूम कंपैटिबल ही नहीं होता था लड़की के लिए, मतलब उसमें कोई ऐसी क्वालिटीज नहीं थी तो वो कोई कंपैटिबल नहीं होता था लड़की के लिए, पर उसके पास बहुत प्रॉपर्टी होती थी और वो प्रॉपर्टी वो लड़की के फादर को देने के लिए रेडी होता था, तो उसके बदले वो फादर अपनी डॉटर के उनके साथ शादी कराते थे, इसीलिए इसे बोलते हैं असुरा मैरिज। एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट अ नोबल वन, बिकॉज आप प्रॉपर्टी के बदले में अपनी बेटी दे रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज नॉन अप्रूव मैरिज। ठीक है, उसके बाद है राक्षसा मैरिज। राक्षसा मैरिज में क्या होता था कि ग्रूम जो है वो लड़की के फैमिली के साथ बैटल करता था और वो बैटल जीतने के बाद वो लड़की को अपने साथ लेके जाता था और शादी करने के लिए कन्विंस करता था। मतलब वो फाइट करके वो लड़की को अपने साथ ले जाता था और उसे कन्विंस करके फिर उससे शादी कर लेता था, तो दिस इज कॉल्ड एज राक्षसा मैरिज। ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो नॉट अ नोबल वन, क्योंकि वो जबरदस्ती फाइट करके वो लड़की को ले जाते थे। ठीक है, उसके बाद है पैशिष्ट मैरिज। पैशिष्ट मैरिज में क्या होता था कि ग्रूम फोर्सफुली लड़की के साथ शादी करता था और उसके बदले में वो उसके पेरेंट्स को कुछ भी नहीं देता था। दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ मैरिज, क्योंकि फोर्सफुली किसी लड़की से शादी करना इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, तो दिस इज द पैशिष्ट मैरिज। तो ये होते थे 8 प्रकार के टोटल मैरिजेस, जो कि 4 अप्रूव थे 4 नॉन अप्रूव थे, और ये सारी प्रैक्टिस एंशियंट इंडिया में होती थी हिंदू लॉ के अंडर में, अभी नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखना ये आपके सारे सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैरिजेस अंडर मुस्लिम लॉ, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज प्रिया लीगल। थैंक यू।